गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं रवि कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरपुर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं उसके लिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं स्पेशल फंक्शन से होते हैं मेम्बर फंक्शन से होते हैं क्लास के स्पेशल किसकी होती हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है और डिस्ट्रक्टर होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का को कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है डिस्ट्रक्टर है वो कोई पैरामीटर भी नहीं लेता है कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर तीन टाइप के होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता है फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं और फिर आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो हम पहले पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बताया गया है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर पर एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं तो इसको हम ध्यान से समझेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है एक कंस्ट्रक्टर ही होता है वो क्रिएट करता है एक ऑब्जेक्ट को बाय इनिशियलाइजिंग इट विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर क्या करता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है लेकिन वो क्या करता है जब नया ऑब्जेक्ट बनता है बिना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प के करता है लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज तो करता है लेकिन यूज करते हुए पहले से सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को जो पहले से बन चुका है उसको कॉपी करते हुए उसको इनिशियलाइज करता है तो उसकी एक कॉपी क्रिएट करता है तो ये हमें ये भी याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी होगा और उस ऑब्जेक्ट की कोई कॉपी बनाई जा रही है तब भी कॉल होगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होता है इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनादर ऑफ द सेम टाइप कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से सेम क्लास के जो पहले से इनिशियलाइज हो चुका है ऑब्जेक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर तब भी कॉल किया जाता है जब ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है एज एन आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं तो क्या पैरामीटर्स में क्या पास होता है कोई भी इंस्टेंस होता है उसकी कॉपी पास होती है तो अगर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की भी क्या होगी कॉपी पास होगी तो जब भी कॉपी बनेगी तब क्या होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जब पैरामीटर पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर तब भी कॉल हो रहा है और जब ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न करते हैं उस टाइम पर भी क्या होता है एक कॉपी रिटर्न होती है तो तब भी कॉल होता है तो ये तीन केसेज हैं जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पहला है इनिशियलाइज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को फ्रॉम अनादर ऑफ द सेम टाइप दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन तीसरा है कि जब ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं फ्रॉम अ फंक्शन अगर एक क्लास के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया गया है तब भी कंपाइलर इसको अपने आप डिफाइन कर लेता है अगर ऊपर वाले तीन केस हैं उनमें से कोई भी केस है वो उसमें होता है तो इफ द क्लास हैज पॉइंटर वेरिएबल एंड हैज सेम समायनेमिक मेमोरी लोकेशन देन इट इज ए मस्ट टू हैव ए कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर क्लास के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल है और कोई डायनामिक मेमोरी लोकेशन हो रहा है तब तो कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने आप है वो डिफाइन हो जाता है कंपाइलर के द्वारा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की जो मोस्ट जो नॉर्मल फॉर्म है वो इस तरह से है क्लास का नेम रहेगा कॉन्स्ट क्लास नेम एम्परसेंट ऑब्जेक्ट बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर एज इट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हैंस इट इज कोल्ड ए कंस्ट्रक्टर क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बन रहा है इसके क्या इसको बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टर एंड इट क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट विच इज एग्जेक्ट कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉपी इज हैंस इट इज कोल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर ठीक है तो कंस्ट्रक्टर तो इसलिए बन रहे हैं बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है और कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पुराने ऑब्जेक्ट की कॉपी बना रहा है अब एक सैम्पल प्रोग्राम से हम इसको समझते हैं हैस इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस्टडी हमने एक क्लास बनाई कॉपी नाम से फिर उसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई और प्राइवेट टाइप के दो डेटा मेंबर बनाए एक्स और वाई पब्लिक नाम का हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया कॉपी जिसमें दो पैरामीटर पास किए आई एन टी एक्स वन और आई एन टी वाई वन एक्स और वाई जो डेटा मेंबर थे उनमें हमने एक्स वन और वाई वन को असाइन कर दिया फिर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया तो वही जो हमने सिंटेक्स पढ़ा कॉपी क्लास का नेम कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट कॉपी क्लास का नेम एम्परसेंट और ऑब्जेक्ट का नाम फिर एक्स और वाई के अंदर हमने असाइन कर दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एक्स ऑब्जेक्ट डॉट वाई तो इससे क्या हुआ एक नया जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके दोनों जो वेरिएबल है एक्स और वाई उनके अंदर हमने एक्स और वाई की जो वैल्यू थी वो असाइन कर दी इसलिए इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी वोइड डिस्प्ले डिस्प्ले एक फंक्शन बनाया उसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमने डिस्प्ले करा दी फिर मेन फंक्शन अब मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट वन बनाया क्लास का नाम है कॉपी ऑब्जेक्ट वन टेन और फिफ्टीन दो पैरामीटर पास किए ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है फिर ऑब्जेक्ट टू बनाना है तो ऑब्जेक्ट टू हम बनाएंगे वो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर से नहीं बनाएंगे उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर से बनाएंगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर से बनाने का तरीका है कॉपी ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट टू के अंदर ऑब्जेक्ट वन को असाइन किया तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ऑब्जेक्ट वन की एक कॉपी बन गई उसका नाम हो गया ऑब्जेक्ट अब हमने डिस्प्ले करा दिया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले तो वन के एक्स और वाई है उनकी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई फिर ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले करा दिया तो ऑब्जेक्ट टू के जो एक्स वाई है मेंबर डेटा मेंबर उनकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर टेन फिफ्टी कॉपी कंस्ट्रक्टर टेन फिफ्टीन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनी है तो वैल्यूज भी सेम ही रहेगी तो स्टूडेंट्स ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर बिल्कुल ही आसान है ये बिल्कुल और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको अच्छे से हमें तैयार करना है थैंक यू